हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे गांठिया। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लिया है, 1 चम्मच ऑयल, नमक, हींग, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन। अब हम एक पैन में बेसन डालेंगे। और 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है वो डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हींग पाउडर और नमक 1 चम्मच जितना हमने नमक डाला है और 1 चम्मच ऑयल। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसको आटा तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बेसन में पानी बहुत कम लगता है तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये देखिए हमें आधा गिलास जितना ही पानी लगा है। ये देखिए हमने 2 चम्मच और पानी डाल के इसे मसल के ये ऐसा चिकना आटा बना लिया है। ये देखिए हमने ये जाला लिया है, इससे हम गांठिया बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाएंगे और आटा लेंगे, इससे ये हाथ में कम चिपकेगा। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस पे इस तरह से हाथ की हथेली से हम करेंगे। ये देखिए हमारे गांठिये रेडी हो गए हैं। अब हम निकालेंगे इसे। हमने फास्ट गैस पे 2 से 3 मिनट ही फ्राई किया है। ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। इस तरह से हथेली पे हमें दबाना है। और इसे हम मशीन में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें आटा थोड़ा कड़क रखना पड़ेगा। ये हमने बहुत ही पतला आटा किया है तो हम थोड़ा पानी कम डाल के इसे मशीन में भी कर सकते हैं। रेडी है गांठिये। ये प्याज के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे हम 15 दिन तक कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।